जय श्री राम टू वन एंड ऑल. वेलकम टू स्टडी अड्डा. हाउ आर यू? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली फाइन. यस्टरडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. दिस इज फाइबर एंड फैब्रिक. ओके, एट फर्स्ट आई टोल्ड यू समथिंग ना. यू हैव टू कीप विद यू रफ पेपर, सॉरी नॉट अ क्लोथ, अ सिंपल स्मॉल पीस ऑफ क्लोथ. ओके, यू हैव टू कीप विद यू. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece hair of sheep or yak. Silk fiber, I think this is not accurate, na? Animal fibers, wool and silk. And then after... No, this is not appropriate slide. Okay, wait for some time. I am taking appropriate slide. Yes friends, once again welcome to Study Adda. Yes, now we are starting fibers and fabrics. Pahli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. जब Pahli और Bujo school में study करते थे आपकी तरह, तब उन्होंने science competition में एक prize जीता था. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. उनको as a gift prize money मिला था, तो उनके मन में क्या ख्याल आया कि क्यों ना हमें अपने parents के साथ में इससे dresses खरीदनी चाहिए. When they saw a large variety of cloth materials, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. जब वो शॉप में गए तो बूझो और पहली इतने कन्फ्यूज हो गए कि मुझे कौन सा ड्रेस लेना चाहिए और कौन सा नहीं. देर वर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. वो फैब्रिक भी सुंदर, वो फैब्रिक भी सुंदर, उसका कलर अच्छा था, उसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है. इतनी सारी वेराइटीज़ थी तो देर वर कन्फ्यूज. फिर शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कौन सा फैब्रिक कौन सा है, कि ये कॉटन है, ये सिंथेटिक है, एसेट्रा एसेट्रा. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स. देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल. पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. अब उनको ड्रेसेस देखने में तो मज़ा आ ही रहा था, साथ में उन्हें टच करने में भी उन्हें बड़ा ही एक्साइटमेंट फीलिंग हो रहा था, क्योंकि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही थी. फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. उन्होंने इतना कुछ देखा बट लास्ट में उन्होंने एक वूलन का जो मफलर था वो लिया और कॉटन की साड़ी खरीदी.
After their visit to the clothes shop, Pehli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, table cloths, towel and dusters were made from different kinds of fabric. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, whenever they were in a shop, कि वहाँ पर different different टाइप के फैब्रिक्स हैं, इतने डिफरेंट्स हैं. यहाँ पर बेडशीट जो है वो अलग फैब्रिक की बनी हुई हैं, तो ब्लैंकेट जो हैं वो अलग फैब्रिक के बने हुए हैं, कर्टन्स जो हैं वो अलग फैब्रिक के बने हुए हैं. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. और उन्होंने ये भी देखा कि हमारा जो स्कूल बैग है वो बिल्कुल डिफरेंट फैब्रिक का बना हुआ है, जो गनी बैग्स होते हैं वो डिफरेंट फैब्रिक के बने हुए हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपके घर पर भी काफ़ी सारे ड्रेसेज हैं, आपकी भी, मम्मा की, डैडी की, तो इतनी सारी कुछ वूलन क्लोथ्स भी हैं. तो कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि दीज आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, अलग अलग तरह के फैब्रिक सब मिलकर बनी हुई हैं. जैसे हमारा जो स्वेटर है तो वो अलग फैब्रिक का बना हुआ है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो अलग फैब्रिक की बनी हुई है, कुछ स्पेशल ड्रेस जो आप लेकर के आए हैं वो अलग फैब्रिक की बनी हुई है. यस, एट फर्स्ट वी विल सी अबाउट फाइबर्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा. आगे है बट इन द स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. ठीक है, फर्स्ट है फाइबर. इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, अपनी कॉपी में मैंशन कर लीजिएगा फाइबर. एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा इसमें, यान. और एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा इसमें, फैब्रिक. एंड इन द लास्ट, क्लोथ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन, फाइबर, यान, फैब्रिक एंड क्लोथ? इसमें कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? जसवर्णा, आस्था, देवांश, कौशल, विवान, कीर्ति, वैष्णवी, राधेश्याम, अभिनव. ओके, ऑल ओनली फोकस ऑन स्टडी. ओके ना, अब देखिए फाइबर क्या होता है. जो फाइबर होता है, दीज आर वेरी थिन स्ट्रैंड्स. व्हाट आर दीज? वेरी थिन स्ट्रैंड. दीज आर वेरी थिन स्ट्रैंड, STRANDED, स्ट्रैंड. अब जो यान होते हैं, दीज आर ट्विस्टेड फाइबर, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड फाइबर. जो फैब्रिक होता है, नाउ यू सी, अब फाइबर क्या होता है, आप किसी भी एक थ्रेड को देखिएगा, उस थ्रेड को आप अपने थंब से स्क्रेच कीजिएगा. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट स्क्रेच अ थ्रेड बाय यूजिंग योर थंब. आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस सिंगल थ्रेड में से भी कई सारे थ्रेड्स निकल कर आ रहे हैं बाहर. एक्चुअली दीज आर नॉट थ्रेड, दीज आर फाइबर्स. वो जो थ्रेड है, वो जो पूरा यान है, वो किसका बना हुआ है? कई सारे फाइबर्स को ट्विस्टिंग करके उसे बनाया गया है. नॉर्मली जब हम स्टिचिंग करने वाला जो थ्रेड लेते हैं, सिलाई करने वाला, उस सिंगल थिन से थ्रेड को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप उसे अपने थंब से स्क्रेच करेंगे तो वो कई थिन फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा. तो वो जो इतने बारीक बारीक, इतने थिन जो स्ट्रैंड्स आप देख रहे हैं ना, उन स्ट्रैंड्स को हम फाइबर कहते हैं. और उन्हीं फाइबर्स को ट्विस्टिंग करके क्या बनाया गया है? यान. यान इट मीन्स, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं थ्रेड.
जो आप थ्रेड जो धागा यूज़ करते हो ना स्टिचिंग में, नॉर्मली किसी भी चीज़ का जो थ्रेड होता है, जैसे कि वूलन का एक सिंगल थ्रेड है जिससे स्वेटर बनता है, तो वो सब क्या होता है, यार्न। और ये जो यार्न है ये क्या है, एक्चुअली ट्विस्टेड फाइबर्स है, कई फाइबर्स को ट्विस्टिंग करके बनाया गया है ये, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है फैब्रिक वर्ड। अभी फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक होता है अनस्टिच्ड क्लोथ, अनस्टिच्ड क्लोथ, बिना सिला हुआ जो क्लोथ होता है उसे हम कहते हैं फैब्रिक। और ये फैब्रिक कैसे बनता है, जब यार्न को जॉइंट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, तब इससे बनता है फैब्रिक, ठीक है। और क्लोथ क्या होता है, स्टिच्ड जो ड्रेस होती हैं, स्टिच्ड जो मटेरियल होता है, जो सिला हुआ ड्रेस होता है, वो होता है क्लोथ। आई बात समझ में? तो जो आप ड्रेस पहन रहे हैं वो क्या है, क्लोथ है, वो कपड़ा है जो आपने स्टिच करके उसको अपने पहनने लायक बनाया है, ठीक है। क्लोथ जो है वो किससे बना हुआ है, फैब्रिक से। पहले आपने किसी भी तरह का एक फैब्रिक लिया, उस फैब्रिक को स्टिच करवाया, देन यू आर यूजिंग इट ना फॉर वियरिंग, तो वो फैब्रिक से क्या बना हुआ है, क्लोथ। अब फैब्रिक किससे बने हुए हैं, यार्न से, यार्न इट मीन्स थ्रेड। जब थ्रेड है उसको किसी प्रोसेस के थ्रू जॉइंट करके और फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर यदि मैं थ्रेड की बात कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट यार्न। मैं यार्न की बात कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रेड। तो यहाँ यार्न का मीन क्या है, थ्रेड, ठीक है। और फाइबर्स, जब यार्न जो होते हैं वो कई सारे थिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको जॉइंट करके, ट्विस्टेड करके जो यार्न बनता है, तो इतने जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइबर्स। जैसे आप लोगों ने कॉटन देखा होगा, ठीक है, डायरेक्टली कॉटन। अब वो जो कॉटन है कैसा होता है, फ्लफी स्पंजी टाइप दिखाई देता है आपको, वो पूरा एक्चुअली फाइबर है। आप उसमें से इतने थिन स्ट्रैंड्स निकाल सकते हैं और इन्हीं स्ट्रैंड्स को ट्विस्टिंग करके क्या बना हुआ है, कॉटन का थ्रेड बना हुआ है। आर यू गेटिंग वॉट एवर आई एम सेइंग? जब आप सिंगल कॉटन देखेंगे, रुई देखेंगे, तो आप देखेगा कि इतने सारे फाइबर्स उसमें बिल्कुल बारीक बारीक एकदम थिन स्ट्रैंड्स हैं और इन्हीं को ट्विस्टिंग करके इसे थ्रेड में कन्वर्ट किया गया है। क्लियर? तो ये टर्म जो है ये आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर में बार बार इन्हीं वर्ड्स का यूज़ होना है। अब सपोज़ आई एम सेइंग फाइबर, आप समझेंगे मैं फैब्रिक कपड़े की बात कर रही हूँ, मैं फैब्रिक बोल रही हूँ तो आप समझेंगे मैं थ्रेड की बात कर रही हूँ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, एंड दीज वर्ड्स आर वेरी यूजफुल इन सेवन्थ क्लास ऑल्सो, बिकॉज द सेम चैप्टर यू विल सी इन सेवन्थ क्लास ऑल्सो, फाइबर टू फैब्रिक, ओके। जस्ट नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, यू कैन सी हियर, नेचुरल फाइबर एंड मेन मेड फाइबर्स, जिसे हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन मेड फाइबर्स जो कि मेन मेड हैं, जो कि हमने खुद ने बनाए हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू या केमिकल का यूज़ करके, आर्टिफिशियल भी वही होते हैं, सिंथेटिक भी वही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेचुरल फाइबर्स हैं, दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के ही होते हैं नेचुरल फाइबर्स। एक होता है एनिमल फाइबर और एक होता है प्लांट फाइबर, जिसको आप वेजिटेबल फाइबर भी बोल सकते हो। डोंट कीप एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड। हमारी बुक में आप देखेंगे, अपनी बुक में यहाँ पर प्लांट फाइबर्स लिखा होगा, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑफ विच, ऑफ नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल फाइबर्स जो होते हैं लाइक वूल, सिल्क, दीज आर एनिमल फाइबर्स। वेजिटेबल फाइबर्स और यू कैन से प्लांट फाइबर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, लिनेन, मोर एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर दिस, जूट, फ्लैक्स, तो ये सब क्या हैं, प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल सी बात है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्यों देखने को मिल रहे हैं हमें नेचुरल फाइबर्स के, ये है तो नेचुरल, प्रकृति से नेचुरली मिल रहे हैं, लेकिन जो वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है, और यहाँ ये जो डिफरेंट टाइप के जो फाइबर्स है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, ना कि एनिमल से, ठीक है। अब मेन मेड फाइबर्स जो होते हैं,
ये नॉर्मली तो बस सिंथेटिक एक ही तरह के बोल सकते हैं, बट यहाँ पर भी दो तरह के बताए गए हैं, सेल्यूलोज बेस्ड एंड नॉन सेल्यूलोज बेस्ड। वैसे जनरली आप अपनी बुक में जो देखेंगे वहाँ पर एक ही तरह के हैं, एंड देर आर फोर एग्जाम्पल्स, रेयन, पोलिस्टर, एक्रिलिक, नायलोन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। लेकिन यहाँ दो कैटेगरी बनाई है मैंने इसकी, सेल्यूलोज बेस्ड एंड नॉन सेल्यूलोज बेस्ड। एक्चुअली जो ये रेयन है ये है सिंथेटिक फाइबर, बट इट इज़ कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसको सेमी सिंथेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैन, इसको मैन के थ्रू प्रिपेयर किया गया है इन फैक्ट्रीज बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो सेल्यूलोज बेस्ड होता है। इट मीन्स यहाँ पर रेयन को प्रिपेयर करने के लिए वुड पल्प का यूज़ किया जाता है। वुड पल्प इट मीन्स जो लकड़ी होती है उसके बुरादे का यूज़ किया जाता है रेयन फैब्रिक को बनाने के लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो रेयन को बनाने के लिए वुड पल्प यानी कि लकड़ी का जो बुरादा होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है? नेचुरल है, वुड है, वुड इट मीन्स नेचुरल विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट। तो आपने जो यहाँ पर रॉ मटेरियल लिया है वो तो नेचुरल लिया है यानी कि ऑर्गेनिक। यदि मैं नेचुरल बोल रही हूँ इट मीन्स वो होता है ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर एक और नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक मीन्स होता है नेचुरल चीज़ें, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है सिंथेटिक चीज़ें जो केमिकल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। वेन एवर इन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस ना, देन यू विल सी दिस टाइप्स ऑफ वर्ड। तो ऑर्गेनिक इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल थिंग्स, ऑल टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक इट मीन्स हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल और सिंथेटिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रॉ मटेरियल है वो होता है ऑर्गेनिक यानी कि वुड पल्प, लकड़ी का बुरादा, लेकिन इसको बनाया जाता है सिंथेटिक तरीके से फैक्ट्रियों में केमिकल का यूज़ करके मशीन में, इसीलिए ये सिंथेटिक भी हुआ। सो दैट्स वाई रेयन इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और सेल्यूलोज बेस्ड क्यों लिखा है मैंने? देखिए जितने भी प्लांट फाइबर्स होते हैं, जितने भी फाइबर्स हैं जिनको प्लांट का यूज़ करके या प्लांट के किसी भी प्रोडक्ट का या फिर पार्ट्स का यूज़ करके बनाया गया है, उन सब पार्ट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्लांट फाइबर में और एनिमल फाइबर्स में। प्लांट फाइबर्स जितने भी बनाए गए हैं किसी भी पार्ट का यूज़ करके, उन सब में सेल्यूलोज होता है। सो रेयन जो है वो भी कैसा होगा? सेल्यूलोज बेस्ड, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज़ करा है? वुड पल्प। और वुड पल्प क्या होता है? इट कंटेन्स सेल्यूलोज, ठीक है। लेकिन यदि हम एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं तो जितने भी जैसे कि वूल और सिल्क, ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि एनिमल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं, तो इनमें प्रोटीन होता है। इनमें क्या होता है? प्रोटीन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में या जो सेवन्थ क्लास में जब आप स्टडी करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल फाइबर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। एट दिस टाइम इन सिक्स क्लास वी विल स्टडी अबाउट ओनली प्लांट फाइबर्स। आई बात समझ में? तो देखिए डिफरेंस मेन क्या हो गया एनिमल फाइबर्स में और प्लांट फाइबर्स में। एनिमल फाइबर्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, और जो प्लांट फाइबर्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है। आई बात समझ में? और उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर मेन मेड फाइबर में नॉन सेल्यूलोज बेस्ड। अब नॉन सेल्यूलोज इट मीन्स यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, उसमें सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन सेल्यूलोज बेस्ड। वेन एवर यू विल स्टडी इन एट्थ क्लास ना, तब हम इसमें सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कंटिन्यू आपके एट्थ क्लास तक आपको मिलने वाला है। इन सिक्स क्लास वी विल स्टडी अबाउट ओनली वेजिटेबल और प्लांट फाइबर्स। देन आफ्टर इन सेवन्थ क्लास वी विल स्टडी अबाउट एनिमल फाइबर्स, एंड देन आफ्टर इन एट्थ क्लास वी विल स्टडी अबाउट मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सेल्यूलोज बेस्ड एंड नॉन सेल्यूलोज बेस्ड। इसमें इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? रेयन। और नॉन सेल्यूलोज बेस्ड में आ जाएगा आपका नायलोन, पॉलिएस्टर। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, एक्रीलिक।
acrylic. ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ना. ये आपको ये बनाना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से. फॉर द एक्सप्लेनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड राइट देयर एग्जांपल्स आल्सो. अब आप इसको चाहें तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, बट उस चीज़ को यदि आप इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे. वो बिल्कुल हाईलाइट होता है ये टाइप. जब क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन योर एक्सप्रेस योर आंसर. ठीक है, चलिए. नाउ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. वूल एंड सिल्क, यू कैन सी ना, वूल, दीज आर एनिमल फाइबर्स एंड दीज आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. अब ये जो वूल होता है वो किससे मिलता है हमें, जैसे कि गोट है, गोट. अब जैसे यहाँ की गोट नहीं, हमारी जो इंडिया की गोट होती है उनमें तो कोई फाइबर्स होते ही नहीं, ऊपर बॉडी में हेयर मिलते ही नहीं है. आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ना, वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू. कुछ समझ में नहीं आया है जो भी मैंने आपको बताया अभी, बट आई डोंट विश टू यू बिफोर 8 o'clock. जितना विश करना है कर लिया करो, बट आफ्टर 8 o'clock ओनली फोकस ऑन स्टडी. यस, एंड दिस इज सिल्क, यू कैन सी ना, इट्स वेरी स्मूथ और शाइनी भी होता है. इसका टेक्सचर जो होता है वो बहुत शाइनी टेक्सचर होता है, इसलिए एक रॉयल कैटेगरी में काउंट होता है ये सिल्क. ओके, सो दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर. यू जस्ट सी हियर, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. अब यहाँ पर प्लांट फाइबर्स दिए गए हैं, यू कैन सी ना, दिस इज कॉटन. ये कॉटन ईजिली अवेलेबल होती है, तो ये क्या है, कॉटन फाइबर है. जब इस कॉटन फाइबर को ट्विस्टेड किया जाएगा तब ये थ्रेड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, दिस इज जूट. अब जूट के कुछ एग्जांपल्स हैं, इस तरह की रोप आपने देखी होगी, ये एक्चुअली किससे बने हुए हैं, जूट फाइबर से बने हुए हैं. नाउ यू जस्ट सी हियर कोइर फाइबर. अब आप सोच रहे हो कोइर फाइबर क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, आपको समझ में आ रहा है ये फाइबर्स कहाँ से निकले हुए हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, मुझे बताओ. चलो, आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, ये किस चीज़ के फाइबर होंगे, ये हमने किस में से निकाले होंगे, कैन यू टेल मी. नो, अभिनव शर्मा ने तो बोल दिया नो. यू जस्ट टेल मी, या आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. समझ में आ रहा है कोई फाइबर क्या होता है. चलिए मैं आपको बताती हूँ, कोकोनट, दिस इज कोकोनट फाइबर. अब समझ में आ रहा है कुछ, अब तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ये तो शेल है, जो कोकोनट होता है, जो वॉट एवर वी यूज उसके ऊपर का जो कवर होता है ना ब्राउन, समझ में आ रहा है, ये वही है. यस, उन्हीं को फाइबर्स की फॉर्म में इसे निकाला जाता है, और इन्हीं से क्या बनते हैं, इससे भी कुछ फैब्रिक्स बनते हैं कोइर फाइबर से. इनको बनाने के तरीके अलग होते हैं. अब जो हमारे पास जो कोकोनट आता है उसका तो ऊपर का जो शेल होता है वो तो काफ़ी हार्ड होता है, फाइबर्स भी काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन इनको पहले स्मूथ किया जाता है, फिर उस स्मूथ करने के बाद इन फाइबर्स को रिमूव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. एंड वन मोर एग्जांपल इज देयर, फ्लैक्स. फ्लैक्स जो होता है इसका भी एक प्लांट होता है, जूट का भी एक प्लांट होता है. ठीक है, और इनके स्टेम्स को एज ए फाइबर यूज़ किया जाता है उन्हें सॉफ्ट करके. तो ये सब क्या है, स्टेम से, जूट का भी स्टेम यूज़ होता है, फ्लैक्स का भी स्टेम यूज़ होता है. कोइर जो होता है उसमें उसका जो फ्रूट होता है उसके शेल को यूज़ किया जाता है एज अ कोइर फाइबर. तो यहाँ देखिए एक बार डिफरेंट है, कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया है, कोइर फाइबर. तो ये हमें भूलना नहीं है, कोइर फाइबर. विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर यूज फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ कोइर फाइबर, सो वॉट यू विल से, दिस इज कोकोनट. ओके, नाउ वेराइटी इन फैब्रिक्स. चलिए अब हम डिफरेंट टाइप की वेराइटीज के बारे में बात करते हैं. यस मैम, ओके, कौशल इज सेइंग मी आई नो इट्स आउटर कवर ऑफ कोकोनट, वेरी गुड, फ्रॉम कोकोनट कवर. चलिए, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप. अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. क्या करना है आपको, अपने घर के आसपास यदि कोई टेलर की शॉप होगी आप वहाँ जाइएगा,
obviously you can get different types of cuttings. बहुत सारी कटिंग्स होती हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती हैं. आपको क्या करना है, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. आपको अलग अलग तरह के फैब्रिक्स की कटिंग को कलेक्ट करना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. अब आपको यदि नॉलेज नहीं है सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आस्क टेलर. आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ये किस तरह के फैब्रिक का बना हुआ है, ये किस तरह के फैब्रिक का बना हुआ है. तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स को कलेक्ट कर लीजिए. डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस. आप किसी भी फैब्रिक को देखिए, एक पूरा पीस टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको कपड़े का ये. नाउ लुक एट इट क्लोजली, वॉट डू यू नोटिस. लेकिन आप बहुत करीब से जब इसको देखोगे सो यू विल सी सम डिफरेंस. आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस इसके अंदर दिखाई देगा. अब ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक. एक जो फैब्रिक नॉर्मली जो आप देखते हैं किसी भी कपड़े का टुकड़ा, उसका एनलार्ज रूप बताया गया है कि जब आप उसको बहुत अच्छे से देखोगे तो वो कुछ इस तरह से होता है. आपको मैंने फैब्रिक के लिए बताया था स्टार्टिंग में ही, फैब्रिक जो होता है वो यार्न जो होते हैं उनको किसी प्रोसेस के थ्रू इस तरह से नीटिंग करके, या फिर दो प्रोसेस होती है इसमें, और दो प्रोसेस के थ्रू इनको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. वी विल स्टडी अबाउट दिस वन ऑल्सो इन दिस चैप्टर. तो इसका ये एनलार्ज फॉर्म बताया गया है कि ये इस तरह का होता है. इनमें जो यार्न होते हैं, थ्रेड होते हैं, इस तरह से पैक होते हैं और एक ये पूरे फैब्रिक को तैयार करते हैं. नाउ वन मोर एक्टिविटी इज देयर. सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी वन. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. अब क्या करना है आपको, दिस इज़ द टाइम फॉर एक्टिविटी. आपको मैंने स्टार्टिंग में कल ही बोला था यू हैव टू कीप अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ विद यू. इफ़ यू हैव, कौन कौन लेकर आया है स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस वन. किस किस के पास है? मैंने कहा था एक रफ क्लॉथ स्मॉल सा आपको अपने साथ रखना है. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. यस, गिव मी रिप्लाई. किस किस के पास क्लॉथ है? नहीं है तो वो अरेंज कर लीजिए. किसी भी तरह का कैसा भी एक कॉटन का क्लॉथ ले, का स्मॉल पीस ले लीजिए अपने पास. नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. नाउ व्हाट यू टू डू, आपको एक ऐसा क्लॉथ का स्मॉल पीस लेना है. और पीस लेने के बाद क्या करना है आपको, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल. आपको एक सिंगल सा जो थ्रेड है वो आपको क्या करना है, पुल करना है, खींचना है. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ. अब जब आप किसी भी एक थ्रेड को आप पुल करेंगे, खींचेंगे, तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये फैब्रिक तो इतने सारे यार्न से मिलकर बना हुआ है जिन्हें अरेंज किया गया है. यू कैन सी ना, यस, स्वर्णा के पास है, अभिनव के पास क्यों नहीं है? अपनी मम्मा को बोलो अरेंज करेंगे आपके लिए स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ. छोटा सा चाहिए बेटा. स्वर्णा और श्रेया के पास भी है. चलिए अब आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी ऐसे कुछ थ्रेड यदि निकला हुआ है तो एक सिंगल थ्रेड को आप पुल कीजिए. जब उसे पुल करेंगे आपको देख के समझ में आएगा कि ये फैब्रिक में से आपने क्या निकाल लिया है, एक थ्रेड बाहर निकाल लिया है. इट मीन्स दिस फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय अरेंजिंग ऑफ दीज यार्न्स. इन यार्न सारे, इतने सारे यार्न, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रेड. इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स को, ये इतने सारे थ्रेड्स को अरेंज करके ये फैब्रिक बना हुआ है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस यार्न के बारे में कि ये जो यार्न है जो आपने थ्रेड बाहर निकाला है वो किसका बना हुआ है. अब इसके लिए क्या करना रहेगा आपको, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. तो अब इस तरह का एक सिंगल यार्न ले लीजिए आप. नहीं है तो एक वूलन का थ्रेड ले लीजिए या कॉटन का थ्रेड ले लीजिए, वॉट एवर यू विश. तो किसी भी तरह का एक थ्रेड आप लीजिए. नाउ व्हाट यू टू डू,
Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. आपको क्या करना है, आपके थंब से इस यार्न को प्रेस करना है और उसके बाद आपके थंब से आपको इस तरह से उसे स्क्रेच करना है. स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद यू विद योर नेल एज शोन इन फिगर. अब आप थंब से उसको आप इस तरह से स्क्रेच कीजिएगा और यार्न में से जो जितने भी थिन स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं उन्हें सेपरेट करना है. द यार्न स्प्लिट्स अप इंटू थिन स्ट्रैंड्स. आप देखेंगे कि ये जो सिंगल थ्रेड है ये सिंगल थ्रेड भी कई सारे पतले पतले धागों से यानी कि थिन स्ट्रैंड से बना हुआ है. इसे हम धागा या थ्रेड नहीं बोलेंगे, धागा या थ्रेड तो ये है. दिस इज यार्न जिसको हमने क्या बोला है और थ्रेड. ओके और ये क्या है, दीज आर थिन स्ट्रैंड्स. ये पतले पतले से स्ट्रैंड्स हैं. अब देखिए इन्हीं को इस तरह से ट्विस्टिंग करके और एक थ्रेड में कन्वर्ट किया गया है. आई थिंक यू ऑल्सो हैव डन दिस एक्टिविटी ना. हाँ, किस किसने थिन स्ट्रैंड्स को निकाला है बाहर थ्रेड में से. अब आप इस तरह से जब थ्रेड में से उसको स्क्रचिंग करेंगे देन यू विल सी डिफरेंट या मेनी थिन स्ट्रैंड्स. अब देखिए ये सिंगल थ्रेड है लेकिन सिंगल जो थ्रेड है वो कई सारे थिन स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है. सो यू कैन सी हियर ना, एट फर्स्ट फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू चेंज इट इनटू यार्न. उसके बाद यार्न को अरेंज करके, ये यार्न है, उसके बाद यार्न को अरेंज करके क्या बनाया जाता है, एक फैब्रिक बनाया जाता है. उसके बाद फैब्रिक को स्टिच करके एक क्लॉथ बनाया जाता है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ना. यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. आप कई बार ऑब्जर्व करना जब नीडल में हम कॉटन का थ्रेड डालते हैं हमसे नहीं जा पा रहा है तो वो क्यों हो रहा है. कई बार डालने पर क्या होता है कि वो जो उसका जो एंड पार्ट होता है जहाँ से हम उस थ्रेड को नीडल में डालने की कोशिश कर रहे हैं उसका जो माउथ होता है वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली वो क्यों नहीं जा पा रहा है नीडल के माउथ के अंदर. इसका रीज़न ये है कि उसका जो फ्रंट पार्ट है किसका, थ्रेड का जो फर्स्ट एंड है वो कई स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो चुका है. वो ट्विस्टिंग करा हुआ था लेकिन जो उसका स्टार्टिंग एंड पोर्शन है वो कैसा हो चुका है, उसके जो स्ट्रैंड्स थे वो ओपन हो चुके हैं, उनकी ट्विस्टिंग खुल चुकी है और इसी वजह से वो जो थ्रेड है वो आपकी नीडल में नहीं जा पा रहा है. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो थ्रेड होता है वो नीडल की आई में नहीं जा पाता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स, दीज आर कॉल्ड फाइबर्स. तो ये जो थ्रेड्स होते हैं, ये जो यार्न होते हैं वो थिन स्ट्रैंड्स के मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, फाइबर्स. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू ना. चैप्टर का नाम क्या हमारा, फाइबर टू फैब्रिक, कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. सो दिस इज द मेन लाइन. फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बने हुए होते हैं और जो यार्न होते हैं वो फाइबर्स से मिलकर बने हुए होते हैं. वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम. अब हम मेन बात करते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं. यस श्रेंग सेइंग मी, मेरे पास से निकली बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई. बेटा इतना ज़्यादा ट्विस्टिंग करा हुआ है थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, उसको बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट करके बनाया जाता है. ठीक है अब हम बात करते हैं इन फाइबर्स के बारे में. अब हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि जो आप स्टिच्ड क्लोथ पहन रहे हैं उसके लिए आपको फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक के लिए आपको यार्न चाहिए और यार्न के लिए फाइबर. तो मेन आपकी जो चीज़ है वो क्या है, फाइबर. अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, नेचुरली वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. अब यहाँ कॉटन और जो जूट है
वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्लांट फाइबर्स के. बाय बिकॉज वी गेट दीज फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स ऑन वूल एंड सिल्क. और ये जो दोनों ऑप्शन है वो एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स है बिकॉज दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गॉट. जो वूल होता है वो शीप है, गॉट है, और भी कई एग्जाम्पल हैं, याक है, यू नो बैक्टीरियन कैमल होते हैं. ये इस तरह की जो कैमल वगैरह हैं, गॉट है, वो इंडिया में नहीं मिलती हैं, कोल्ड रीजन में, ठंडे इलाकों में मिलती है, जैसे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल टाइप की जो पश्मीना गॉट होती है उनको रियर किया जाता है, पाला जाता है. एंड दे हैव वेरी थिक एंड लॉन्ग हेयर्स, और उनके जो हेयर्स होते हैं उन्हें ही एज अ फाइबर रिमूव किया जाता है. तो यहाँ क्या बोला गया है कि वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गॉट. इनके फ्लीश का यूज़ करके ये इन फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है. एक्चुअली फ्लीश क्या है? दीज आर हेयर्स ऑफ शीप और गॉट. इन्हीं के हेयर्स होते हैं जिन्हें बिल्कुल पतली सी जो स्किन होती है उसके साथ में इन हेयर्स को रिमूव किया जाता है. ऐसा नहीं केवल हेयर्स को निकाल लिया गया है, विद दिस अ वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन इज ऑल्सो रिमूव्ड, लेकिन इसमें इनकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट. यस, जैसे एक एंगोरा रैबिट होता है, दिस इज़ अ स्पेशल वेराइटी एंड दीज आर फाउंड इन कोल्ड रीजन, ठंडी जगहों पर मिलते हैं ये, तो उनसे भी बनते हैं, याक से भी बनते हैं और कैमल से भी. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन किया जाता है और ये उनके ककून से बनाए जाते हैं. अब जैसे कि मैंने वूल के लिए क्या बताया, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गॉट. इसी तरह से सिल्क वॉर्म जो होता है वो इनके ककून से प्रिपेयर किया जाता है. बस यहाँ हमें केवल इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, नॉट टू मच थिंग्स. ओके, बिकॉज वी विल स्टडी अबाउट दिस वन इन सेवन्थ क्लास. ओके, वो जो है सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक द वन शोन हियर, दीज वर बोर्न बाय वॉरियर्स. बूझो जब म्यूजियम में गया तो उसने कई सारी चीज़ों को देखा, उसने कुछ ऐसा भी देखा जो कि वॉरियर्स जो लड़ाई करते थे, सिपाही थे, वो पहनते थे. ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ या मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर्स. क्या वो भी किसी तरह के फाइबर्स से मिलकर बने हुए हैं? नो, जो वॉरियर्स पहनते थे ना बेटा, वो तो उनका पूरा आउटर कवर होता था एंड इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन. वो किसका बना हुआ होता था? आयरन का बना हुआ होता था. सो 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. यानी कि पहले केवल नेचुरल फाइबर्स को ही जानते थे लोग, और नेचुरली ही फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकते थे क्योंकि उन्हें केमिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो इसके बारे में उनका कुछ भी नहीं पता था, तो वो सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ भी उस समय रिकॉर्ड नहीं होता था. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलोन, एक्रिलिक एंड रेयन. ऑल्सो आई टोल्ड यू ना, आई थिंक यू गॉट दिस थिंग ना. ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन है. इसमें अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ आपको मेन जो चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है? मेन थिंग इज दिस वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. दिस टेबल यू हैव टू लर्न वेरी वेल एंड दीज टर्म्स फाइबर, यार्न, फैब्रिक एंड क्लोथ. इतना ही समझ में आ गया है, इट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल. ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट from plant fiber, this is cotton. Clear? If you have any doubt, you can ask me. You don't have any doubt? Okay, Jai Shri Ram.